अच्छा यहाँ पे देखना कि हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं लूपिंग या इटरेशन, ठीक है। और लूपिंग हमारी तीन तरह की होती है यहाँ पे सी के अंदर, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल। लेकिन ये लूपिंग या इटरेशन होता क्या है, आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कई बार ऐसा होगा कि एक ही तरह का वर्क बार बार जब करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको कोई सीरीज प्रिंट करानी है, एक ही नेम को आपको कई बार जब डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, यहाँ पे लूप्स हैं और इसी को हम इटरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के लूप हैं, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, ठीक है। तो इनके सभी के अपने अपने सिंटैक्सेस होते हैं कि सिंटैक्स मतलब कैसे इनको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स है, इसमें फॉर लिखता है स्मॉल लेटर में, और अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन है, यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है, और फिर सेमी कॉलन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहा है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर रखा है, और उसके बीच में हमारे स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स है फॉर लूप का। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस कंडीशन में हमारा फॉर लूप यूज़ होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपनी जो है आईडी में जा रहा हूँ, कोड ब्लॉक वाली आईडी में जा रहा हूँ। तो ये मेरा कोड ब्लॉक की आईडी ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को समझे, सबसे पहले इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट के लिए मैं कंट्रोल F10 कर रहा हूँ। अब इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से एक सीरीज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस आउटपुट को देखो तो इसमें मतलब एक ही तरह का वर्क बार बार हो रहा है, मतलब पहले 1 प्रिंट कराया, फिर 2 कराया, 3 कराया, 4 कराया, 5 कराया, 6, इस तरह से 10 तक हमने प्रिंट करा दिया। चाहे तो आप 100 तक या 1000 तक जितनी भी आप चाहो उतना प्रिंट करा सकते हो। तो हालांकि हम इस तरह के प्रोग्राम को नॉर्मल भी कर सकते थे, प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से सीरीज प्रिंट कराने के लिए हमें 1,000,000 लिखनी पड़ती। और अगर वहीं आपको सीरीज अगर 1 से लेके 100 तक या 1000 तक प्रिंट कराने, यानी कि आप प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2 और इस तरह से लिखते जाओगे, 1,000 लाइन, 2,000 लाइन या 5,000 लाइन आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस वेस्ट ऑफ टाइम से बचने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, लूपिंग है। तो इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं और व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें सीरीज प्रिंट करानी थी, तो हमने क्या कर दिया, एक अब जाहिर सी बात है वो सारे इंटीजर नंबर हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया जिसका मैंने नाम रख लिया काउंट। आप चाहें तो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, और उसको मैंने इंटीजर टाइप कर दिया। बाकी ये हेडर फाइल तो हमें बताइए कि सबसे पहले हेडर फाइल आती है str.h, फिर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वर्ड में, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रखा है मेन का और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसी के बीच में हमारी प्रोग्रामिंग होनी है। तो क्योंकि हमें वैल्यूज प्रिंट करानी थी, तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है, और उसका नाम मैंने रख लिया काउंट। आप चाहें तो कुछ भी वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्योंकि वन से मुझे सीरीज प्रिंट करानी थी, तो मैंने इस काउंट में क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया कि हमारा लूप चले कहाँ से, तो मैंने उसकी वैल्यू 1 रख दी, और फिर लूप हमें चाहिए कहाँ तक था। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, मतलब कि कोई भी लूप आपका तब तक चलता है जब तक उसे कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, जब काउंट इज लेसर दैन इक्वल टू, इसका मतलब कि जब तक काउंट 10 से छोटा है उसके बराबर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रखा, काउंट प्लस प्लस, यानी कि हर बार ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को 1 का इंक्रीज करते रहेगा। तो अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने काउंट दिया, और यहाँ से अब उसके बाद सीधा हमारा स्टेटमेंट यही लूप है, तो ये लूप हमारा चलेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, काउंट में वैल्यू कर देगा 1, और इस 1 को चेक करेगा यहाँ बीच में, क्योंकि काउंट में इस वक्त क्या चुका है 1, और यहाँ पे बीच में कंडीशन चेक होगी, क्योंकि अगर कंडीशन चेक होगी तभी लूप के अंदर आएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 10 से छोटा है, कंडीशन अभी हमारी ट्रू है क्योंकि 1 10 से छोटा होता है। तो जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है बीच में, ठीक है, ये जो कंडीशन हमारी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू मिलेगी तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट है %d और काउंट को प्रिंट कर देगा। तो काउंट के अंदर क्या है, अभी 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा, इसीलिए वहाँ पे आउटपुट विंडो में जब हमने देखा 1 प्रिंट करा था। फिर होता क्या है कि किसी भी लूप से तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। तो यहाँ से जो आपका क्लोज वाला ब्रैकेट है, यहाँ से कंपायर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ पर इस काउंट प्लस प्लस में, तो वो क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा। इसका मतलब क्या है कि काउंट की वैल्यू अभी जो भी है उसमें 1 का इंक्रीज कर दे, तो काउंट की वैल्यू 1 थी तो 1 को 2 कर देगा। 2 करने के बाद में अब
ऐसे नहीं कि वो लूप के अंदर चला जाएगा, अब टू होने के बाद भी यहाँ बीच में आएगा कंडीशन को चेक करने के लिए इस जगह में। यहाँ पे चेक करेगा क्या काउंट 10 से छोटा है, लेकिन इस वक्त काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 हमारा 10 से छोटा है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ से जो ब्रैकेट बना हुआ है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ कर दे काउंट को, परसेंट डी काउंट, परसेंट डी इसलिए लगा रखा क्योंकि इंटीजर नंबर है, मॉडिफायर है हमारा, तो इस वक्त हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 को प्रिंट कर देगा। अब ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, इस ब्रैकेट से अभी वो बाहर नहीं निकला, फिर ऊपर जाएगा काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा, यानी काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 की 3 होगी, और फिर दोबारा से यहाँ कंडीशन को चेक करने के लिए बीच में आएगा। तो 3 करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है, कंडीशन फिर हमारी 2 है, तो अंदर आ जाएगा लूप के और क्या कर देगा, प्रिंट एफ परसेंट डी और काउंट को प्रिंट कर दे, तो 3 को प्रिंट कर देगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10 तक वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि लास्ट में जब काउंट की वैल्यू 10 हो चुकी होगी तो यहाँ बीच में हमने क्या कंडीशन लगा रखी थी, कंडीशन क्या है, काउंट इज लेसर देन इक्वल टू 10, यानी कि जब काउंट में 10 है तो चेक करेगा क्या काउंट 10 से छोटा है, नहीं इस वक्त तो काउंट में वैल्यू 10 हो चुकी है, लेकिन वो आगे इक्वल टू भी कर रखा हमने, तो चेक करेगा क्या 10 10 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो फिर दोबारा से यहाँ लूप के अंदर आएगा और 10 को भी प्रिंट कर देगा, मतलब हम काउंट को प्रिंट कर रहे हैं उस वक्त काउंट के अंदर वैल्यू क्या है 10, लेकिन इसके बाद फिर ऊपर जाएगा और काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट में जो वैल्यू थी 10 10 को वो 11 कर देगा इस जगह पे काउंट प्लस प्लस की वजह से, और फिर बीच में आएगा, यानी कि अब चेक करेगा क्या काउंट 10 से छोटा या उसके बराबर है, लेकिन इस बार कंडीशन फॉल्स है क्योंकि काउंट के अंदर पड़ा हुआ है 11 और 11 10 से छोटा भी नहीं होता है उसके बराबर भी नहीं होता है, तो अब वो जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से अंदर आएगा नहीं, और इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने प्रिंट ऑफ लिखा था वो चलेगा नहीं, तो यहां से वो बाहर निकल जाएगा, और इसका दोबारा मैं आउटपुट दिखा देता हूं आपको, तो इसीलिए वो 10 तक प्रिंट कर रहा है 11 नहीं प्रिंट कर रहा है। अगर आप यहाँ से इस रेंज को चेंज कर दोगे, जैसे मैं यहाँ से इसको कर दूँ 20 कर दूँ, तो अब इसको पहले मैं कंट्रोल F9 से कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है, और अब कंट्रोल F10 कर लेता हूँ, ऐसे कंट्रोल F10, ठीक है, तो अब वो 20 तक उसने हमें क्या कर दिया, सीरीज प्रिंट कर दी, तो जितना भी आप चाहोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसका ड्राइव रन समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा एक वेरिएबल है काउंट, इसको ले लेता हूं मैं, काउंट है और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 1 थी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो उसके बाद वो क्या कर रहा था, काउंट प्लस प्लस कर रहा था, ठीक है, बीच में कंडीशन क्या थी हमारी, बीच में हमने कंडीशन लगा रखी थी काउंट इज लेसर देन और इक्वल टू 10, और फिर उसके बाद हमने कर रखा था क्या, काउंट प्लस प्लस कर रखा था, तो ये स्टार्टिंग में हमारा 1 थी वैल्यू, और 1 होने की वजह से वो यहाँ पे पहले कंडीशन को चेक करेगा, है ना, चेक जब होगा तो हमने क्या कर रखा था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था प्रिंट एफ, जो भी लिखा है प्रिंट एफ पूरी लाइन लिख रखी है, और हमने काउंट को प्रिंट करवाया है, पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो काउंट को प्रिंट कर दे, फिर यहाँ से ब्रैकेट था हमारा ऊपर जा रहा है और काउंट प्लस प्लस कर रहा है, तो काउंट प्लस क्या करता है, जो भी पुरानी वैल्यू होती है उसमें 1 का इंक्रीज कर देता है, तो स्टार्टिंग में काउंट 1 था, 1 का 2 कर दिया, 2 करने के बाद में यहाँ पे बीच में आएगा और क्या 2 10 से छोटा है कंडीशन 2, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा और प्रिंट कर दे काउंट को, तो इस तरह से वो हमारा लूप चल रहा है बार बार और पूरी सीरीज प्रिंट कर दे रहा है, तो जब तक यहाँ बीच में कंडीशन 2 मिलती रहेगी लूप हमारा चलते रहेगा और अंदर आते रहेगा बार बार और वैल्यूज को प्रिंट करते रहेगा।